walk look, camera look, look. President, yeah. Got it. Wives? No wives. हाँ जी हाँ पहले तो मेरा नाम नैना भान है और मैं एक पॉडकास्ट पे काम करती हूँ जिसका नाम है मोमेंट ऑफ साइलेंस। मैं और मेरी को-होस्ट साक्षी शिवदसानी जो एक बहुत ही फ़नी महिला है एंड हम काफ़ी नए हैं पॉडकास्टिंग में, तो इट्स रियली लवली दैट वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दिस वेयर सो मैनी पॉडकास्टर्स जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और इतने विशेष सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं उनसे उनके साथ वी कैन इंटरैक्ट, सो दैट्स रियली नाइस। हाँ जी मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने पिछले साल 25,000 मिनट पॉडकास्ट सुना। मैं गाने नहीं सुनती, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ। मैं काम कर रही होती हूँ, घर पे मैं जॉगिंग कर रही होती हूँ, नहा रही होती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉडकास्ट चलता रहता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन रियली फिट इन योर लाइफ वेर एवर यू आर, वेदर यू आर कम्यूटिंग, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट्स गॉट द स्पेस दैट इट्स गेटिंग। थैंक यू, दैट्स इट मैम, थैंक यू। मैम नेहा जी इधर रुकिए ना एक मिनट, राइट साइड उतारिए बेटी रोल। सो फर्स्टली नेहा मैम ये जानना चाहेंगे आप पॉडमास्टर्स अवार्ड्स नाइट है, कितनी एक्साइटेड हो आप क्योंकि आपने भी एक पॉडकास्ट शुरू किया है? आई थिंक बहुत आई मीन इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो जितने साल पहले हमने सोचा था कि हम सब पॉडकास्ट शुरू करेंगे, टू नाउ हाउ फार वी ऑल कम, नॉट वी बट एवरीबडी एल्स इज इनसाइड द रूम ऑल्सो हाउ फार दे कम, एंड टू रिकग्नाइज दिस एज अ सोलो स्टैंडअलोन मीडियम of communication, entertainment, of having voices, of being of influence, I think it's absolutely fantastic. और आज मैं बहुत खुश हूँ because एक बहुत बड़ी कैटेगरी में नो फिल्टर नेहा को भी नॉमिनेट किया गया है and I'm very very excited about it today. Also मैम पॉडकास्ट की बात करें तो आपका फेवरेट पॉडकास्ट अब तक का कौन सा रहा है आपके खुद के पॉडकास्ट का? मेरे खुद के पॉडकास्ट को छोड़ के नो आपका खुद का ही कौन? मैं अपना खुद का पॉडकास्ट इतनी बार एडिटिंग पे सुनती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। सो आई हैव टू स्टिक विद नो फिल्टर नेहा। मैं और किसी की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी। नो एनी वन गेस आपको जो पसंद आया हो आपके खुद के पॉडकास्ट? आई मीन ओवर द इयर्स आई हैव हैड लाइक 6 सीजंस, सो ऑब्वियसली 68 कन्वर्सेशंस व्हिच मींस 68 गेस्ट्स, बट यू ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट वन एंड माय फर्स्ट गेस्ट एवर वाज करण जौहर। So I don't think जब माइक ऑन हो और बातें शुरू हो तो you know there's at any point that you know you're not entertained, so it's really fantastic for me to start with it. Also you know want to know आप अपने podcast पर किसे बुलाना चाहते हो जो अब तक का you know bucket list में है? जो मेरे bucket list पे है और जो अभी तक आए नहीं है, most definitely शाहरुख खान। Oh wow, everybody wants to go. Yeah, I'm sure. But I've been willing this for 6 years. It's not happened. Any one reason why? I don't know. I think he's busy, and I'd like to believe that. No. Why you want to call? Any one reason why I'd like to call him? Oh my yes. God! Of course. I mean, I've been in conversation with him many times before, and I think that he's by far the most well-informed, the most intelligent, the smartest actor, person who's such a great kind of flag bearer, representative of the business, and apart from that, I mean, who wouldn't like to talk to Shahrukh Khan? I'm not going to lie, you know, you just want to talk to him. Everybody wants to talk to him. Okay, one last question, Neha ma'am, you know, कितनी बार ऐसा होता है जब मीडिया, you know, आप लोगों की secret life cover करती है या you know secret reveal करती है, so वो एक गलत negativity impact होता है उस चीज़ का, but अभी podcast एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पर हर सेलिब्रिटीज़ की secrets out हो रही है, but वहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ हो या कई सारे सेलिब्रिटीज़ उनको प्रॉब्लम नहीं होती, so what do you have to say on this? हमने इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को समझ ही नहीं आया आपको क्वेश्चन क्या है, but you're saying that talking about secret about celebrities. I think हम सवाल पूछते हैं, आगे जाके जिसको जितना बताना है, कहना है, रिवील करना है वो उन पे होता है. एंड आई फील अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो हू इज़ होस्टिंग, बिकॉज यू डू रिसर्च, यू मेक देम कंफर्टेबल, यू गेट इनटू कॉन्वर्सेशन. एंड आई डोंट थिंक नो फिल्टर नेहा इज अ शो वेयर यू वांट टू गो आउट देयर एंड हर्ट पीपल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस और मेक पीपल अनकंफर्टेबल. वी वांट टू एंटरटेन आवर लिसनर्स and we also want to make our guests feel comfortable. So both ways we want to protect everyone and have a great show. It's a tough job. Thank you so much. Thank you. Shweta ji, sir, Shweta ji. Shweta ma'am, idhar. Shweta ma'am, idhar. Camera, camera. अरे ये भाई ये हटना बीच में से. Shweta ji, आपका. No. श्वेता जी यहाँ सामने आ रही हैं. श्वेता मैम इधर नहीं मिला. सर ये साइड. रुको राइट टू लेफ्ट सर, राइट टू लेफ्ट. सर यहाँ ज़ाकिर भाई इधर सर. राइट टू लेफ्ट सर. यहाँ पॉडकास्ट मास्टर अवार्ड्स है आज रात. हाँ, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है. आप बहुत एक्साइटेड हो? हमारे लिए उम्मीद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. उम्मीद वो चीज़ है जिस पे हम हमारा हर काम उम्मीद के अराउंड होता है. हम उम्मीद से ही काम करते हैं, उम्मीद से ही बात करते हैं. तो उम्मीद हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है. तो बस आज की शाम भी वैसी ही स्पेशल है. आज पॉडकास्टिंग जब हमने शुरू किया था तब बहुत लोग कर नहीं रहे थे, ठीक है, और हमने इसे ऑडियो फॉर्मेट की तरह शुरू किया था. और आज अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए भी ये बड़ा दिन है कि ये हो रहा है. तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए. थैंक यू. जी क्या कहना चाहूँगी? कुछ नहीं साहब, ऊपर वाले का है, जिसकी चलती उसकी चलती. हमारे हाथ में क्या ही है, हम तो बना ही सकते हैं. बाकी लोगों की ख्वाहिशें जो है वो हम अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करेंगे. अभी इस वक्त लोग हमको सुनना चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें दें, है ना, वरना किसके हाथ में क्या है. हमने क्या रिप्लेस किया उनको? हमारी कोई हैसियत या औकात नहीं है उनको रिप्लेस करने की. वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमसे. उनका शो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया और उस खाली जगह को भरने का मौका हमको मिला है. हमारी हैसियत नहीं है. बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्रेम है और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हम पे. तो हम तो क्या ही रिप्लेस करेंगे उनको. लेकिन भाई कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है जी. बहुत सारे पॉडकास्टर आ गए हैं. हाँ 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 हाँ. मार्केट में कितने पॉडकास्टर्स हैं ना, देखते देखते हमारी आंखें नहीं भरती पॉडकास्टर्स हैं. तो आप देखते हैं कंपटीशन को कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन. नहीं, कंपटीशन की तौर पे नहीं देखते, भाइयों की तरह देखते हैं, बहनों की तरह देखते हैं उनको, हम दोस्तों की तरह देखते हैं. और अभी तो कम है पॉडकास्ट, अभी और आएंगे, देखिएगा आप इंशाल्लाह. चलिए, थैंक यू. तो बदल बैटरी को. थैंक यू. Just come here. Why are you standing there? हाँ बोलिए. It's very interesting. देखिए, technology has reached to such a level. जब हमें पता लगा कि पॉडमास्टर्स के लिए भी अवार्ड दिया जा रहा है, I found it very, very unique, and I would congratulate HT for coming out with these awards. बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पॉडमास्टर्स जो होते हैं, जो पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, they really work hard. The questions that are asked to a celebrity are very interesting. उनकी ज़िंदगी के बारे में, and the way they edit it and the way they present it to the world, I think it's a well-deserved award for all the podmasters, क्योंकि ये अचानक जो एक फिनोमेना हुआ है. People have woken up to this absolute platform, I would say, and I'm very impressed and very happy. Also, sir, ये भी जानना चाहिए, जिस तरह ये podcast चालू हुआ है, काफी secrets reveal हो जाते हैं celebrities के. पर ये अगर मैं बात करूँ media की, जब media secrets reveal करते हैं, तो ये भी celebrities को problem होती है. But when they come to podcast और सारी चीजें You know, this is my personal take. I personally feel that this one-to-one between the gentleman who sits across and the way he speaks to you, वो उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, वो अपने दिल की बातें भी बोलता है या बोलती है. I respect the media as much. When they talk, they ask pointed questions and you give pointed answers. It's interesting, but it depends on how you actually understand the heart and mind of a celebrity. देखिए, we live in a world today where सबको पता लगता है भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो. ये झूठ की दुनिया नहीं है, ये सच्चाई की दुनिया है और इंसान को सच पर जीना चाहिए. I personally feel that आप वो सवाल पूछिए, अगर वो सेलिब्रिटी बोलना चाहता है बोलेगा, नहीं बोलना चाहता नहीं बोलेगा. लेकिन ऑल एंड ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई रिस्पेक्ट पॉडमास्टर्स, ऑल ऑफ देम. ओए माय स्टार, क्या बात है. हाउ आर यू? अरे पीछे ले, पीछे की घुटा भी तो दूर रखते हैं. लुकियर बोथो. थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you. This is very, very special because it's a new medium for us, and I've been associated with films and OTT content, and this is our first endeavor into audio and audio podcasts and YouTube. So we're very, very excited. It's a new medium, and it feels great. इंडिया में लोग तेजी से पॉडकास्ट कंज्यूम करना पसंद कर रहे हैं. हर एक चैनल पर एक पॉडकास्ट आने लगा है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, और छोटे बड़े लोग भी उसे देखने लगे हैं. चाहे वो 16 साल के हो, चाहे वो 52 साल के हो, सब लोग उसे देख रहे हैं. तो इस पॉडकास्टिंग कल्चर को आप कैसे देखते हैं और इस मीडियम, ये मीडियम कहाँ तक जाने वाला है आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से जब हम एक टाइम था जब हम रेडियो प्रोग्राम सुनते थे और उसी का वही सोच के हम लोग ने ऑडियो स्टोरीज बनाई, जो कि टारगेटेड मोस्टली टू हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, एंड नाउ वी आर आल्सो डूइंग तमिल तेलुगू. बट इसमें क्या है कि या तो हमारे जो पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए है जो वीडियो इतना देखना नहीं चाहते या इतना डेटा होता नहीं है उनके पास वीडियो देखने के लिए, या तो उन लोगों के लिए जो शौक के दौर पे सुनते हैं और इंग्लिश में सुनते हैं. तो इसकी टारगेट ऑडियंस एक एक्सट्रीम लेवल पे है, या तो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड डेटा और पीपल हु आर कंज्यूमिंग इट आउट ऑफ चॉइस. सो एज रोज पॉट जो हम लोग ने डिवीजन शुरू किया है, वी आर टारगेटिंग बोथ दीज टू हाई एंड लो एंड ऑडियंसेस. जी जी, मेरी एक बहुत अच्छी क्रिएटिव टीम है और मुझे एडवाइस किया गया कि हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो बहुत चलता है हिंदुस्तान में, और बहुत सारे लोग हैं जो हॉरर को एक ऐसा जॉनर है जो आप साउंड इफ़ेक्ट्स और वॉइस के साथ भी वो माहौल पैदा कर सकते हैं और वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो ऑलमोस्ट एक विजुअल्स, समटाइम्स इवन बेटर दैन विजुअल्स. तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हमारा पहला पॉडकास्ट जो है वो हॉरर जॉनर में भी में ही हो. थैंक यू सो मच. खरीद लिया चोर बाजार. फुल फ्रंटल. ओके, हाँ सर. Yes, sir. Done? Yes. Okay. So, bye. हाँ, बोलो. अवार्ड्स हो रहे हैं, पॉडमास्टर्स अवार्ड्स, क्या कहना चाहूँगी इसके लिए? आप कितने एक्साइटेड, और नवाजा भी क्या है आपको, सब भी जाना चाहिए। देखिए ये मैंने खरीद लिया, जैसे मैंने बताया सबको, ऐसा नहीं है कि मेहनत के काम नहीं है। हाँ, चोर बाज़ार में मिल सकता है, मेरा नाम भी ले लो, 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको, बट इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये बहुत ईजी अवार्ड्स है, अवार्ड सेरेमनी भी ईजी है। प्लीज़ कम एनी टाइम एंड एक्सेप्ट योर अवार्ड। ये कौन है बीच में? देखो सर, आप जैसे सेक्स सिंबल्स को नहीं चाहिए यहाँ पे। प्लीज़ आप ये पेज 3 मॉडल्स को निकालो मेरे सामने से, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बीच में। प्लीज़ सर, कैन यू कैरी ऑन? थैंक यू सर, यू आर वेलकम। और कभी वही शेव करके आना गांडू। सॉरी, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंड्स। बस हो गया, मैं जाऊँ। मैं सिर्फ मेरी खुद का पॉडकास्ट सुना है अभी तक, एंड इट्स वेरी बैड यार, सच बताओ तो बहुत बेकार है। सिर्फ बिल्कुल टाइम पास है, पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, पॉइंट क्या है, कुछ विजन भी नहीं है उसमें। कभी कभी गेस्ट भी नहीं आते, मैं कैटरिंग आदमी को बुलाते हैं जो कैंटीन में काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता अभी कुछ अलग चेंज करना चाहिए? नहीं, जो परिवर्तन क्यों चाहिए लाइफ में? अगर ठीक चलते गाड़ी तो रहना दो ना। डोंट कॉल द मैकेनिक अनलेस कार इज़ ब्रोकन। हाँ, तो सब ठीक है। यार मुझे वो जो बाइडेन को बुलाना है, क्योंकि मुझे वो अमेरिकन यूएस का वीज़ा भी चाहिए। हाँ, तो मैं सोचता कि अगर ये दो काम एक साथ हो सकता है फिर। और मैंने सुना कि उसके स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो मैं ज़्यादा बात करते हैं, फास्ट बात करते हैं, तो मैं फिलअप भी कर सकते हैं, वो डिस्कनेक्ट जो इंटरव्यू में हो जाते हैं कभी कभी। तो बाइडेन सर फर्स्ट, और सेकेंड अगर है तो मिस्टर बच्चन को बुला सकते मेरे शो पर। अमिताभ बच्चन, देयर इज़ ओनली वन अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी प्लीज़ कम ऑन द शो। पर हमारे पास सिर्फ कन्वेंस है, पैसा नहीं है। बिग बॉस में कभी कभी गाली तो मिलते हैं हर दिन रोड पे, बट हाँ, फलक जैट भी कुछ भेजा उस दिन, बेबी का। हाँ, पूजा मैम है कोई। अभिषेक एक बार जब मैं कोई जिमी चू का कुछ कैंपेन किया था, उसने कुछ तारीफ किया 1-2 बार। हाँ, एलविश को पहचानता नहीं। पुनीत सर, यार पुनीत सर के साथ अभी हमारा जो झगड़ा था वो तो खत्म हो गया। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड, और मेरे ख्याल से हमको कोलैबोरेशन भी करेगा आगे। मैं बुलाते, सिर्फ लोग डरते हैं उससे। अभी क्या करो, क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट है वो स्टूडियो में, वो सब खत्म करेगा। बुलाया, वो आई नहीं, वो आएगी, वो डेट की इशू है। सब लोग बिजी है, मेरे जैसा नहीं है लोग। अभी मैं जाऊँ, भाड़ा सच बताओ, भाड़ा पी लिया। हाँ, ये सही। इंडिया विन द वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। You want me to go in? Yes. Yeah, उधर ही। First question. Look here. You are lied about me. चलो क्या? अरे चेक किया क्या? ये हाजी। अरे चेक किया। 15। हाँ। Thank you. चाटी कह दूँ जी, पॉडकास्टर्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया मुकाम है, जहाँ पर HT की तरफ से इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया गया है फॉर ऑल द पॉडकास्टर्स। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया मीडियम है, उभरता मीडियम है, ऑडियो डिजिटल की दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बातें कह पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आज हर रोज़ आपको नए से नए पॉडकास्टर्स सुनने को मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी पॉडकास्टर्स से लेके कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्टर्स, जिन्होंने पूरे कोविड के टाइम लोगों का बड़ा साथ दिया। लोगों ने पूरा वक्त बैठ के पॉडकास्ट सुने हैं। और पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, आप सुनते रहें, गाड़ी चला रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। यू डोंट रियली नीड टू look at a screen. So I think it's a great medium, and I'm glad that HT Smartcast is appreciating people from this medium. Cool. Thank you. ठीक है? हाँ. मैम लोग क्या मैम? मैम लू क्या था मैम? होल्ड है? आगे जाए? ओ बैक लाइट स्पीच। कम है। रेडी। रेडी? गुड। मॉर्निंग? यस यस यस। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इट्स अ पॉडमास्टर्स अवार्ड, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, हाउ एक्साइटेड आर यू? Well, I'm here to represent my daughter, and I'm very excited for her, I'm very proud for her, and I'm thrilled to be here to collect the award. But how do you see the change? People are getting more into podcasting. People have started to do a podcast. Even the celebrities are doing the podcast. How do you see this change? I think it's wonderful. It's a great way of reaching out to people. It's you know, you can carry it wherever you go. You can listen to it on a train, on a bus, while you're in a waiting room, and I think it's fantastic. It's just another wonderful medium of getting it. Okay, but what about Nabya? Yeah. Is she trying to get into Bollywood, or she is like? I think you're all very well acquainted with the work Navya does, and she has her hands full, and I don't think Bollywood is the way to go. Thank you so much. Thank you. Hi, how are you? Good, thanks. Is this? Yes. Thank you. Done? Yeah. माँ का हो गया। आए चले अंदर। अरे ये इनका नहीं हुआ तो रुको। हाँ। Thank you so much for joining us, sir. Not at all. I'm good. I'm good. Yeah. How excited are you for? Yeah, I think podcasting की अपनी awards हो रही हैं. That's a lovely thing because रियली आई थिंक एक इकोसिस्टम तब कंप्लीट होता है जब किसी चीज़ की एक अवार्ड इस्टेब्लिश हो जाती है. और मेरे काफ़ी सारे दोस्त और मैं खुद भी चूँकि पॉडकास्टिंग करता हूँ तो इसलिए मुझे लगता है दैट यू नो यू नाउ फाइंड व्हेन देयर इज रणवीर इलाहाबादिया, ज़ाकिर खान, यू नो वेदर इट्स नव्या और यू नो देयर इज राज शमानी, देयर सो मेनी पीपल हू आर डूइंग पॉडकास्ट और व्हाटएवर. सो आई थिंक दिस हैज बिकम अ न्यू मीडियम फॉर द यूथ. तो अच्छा लगेगा देखने के लिए कि हु विंस, हू आर द पीपल आर मेकिंग इट. Entering into our life, and now this is podcast. They are opening themselves. What do you have to say on that? देखिए, see, you must understand that when नेहा दुपिया started her podcast, सबसे पहली बात जब podcast में video नहीं था, people were even more honest, because आपको लगता है ना कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, right? When media comes, we all put on a lens first of saying that oh you're going to quote us. In a podcast, it becomes very conversational. और अगर दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बातें कुछ ऐसे खुल के निकल के आती हैं. एंड पीपल इवन व्हेन दे आर पॉडकास्टिंग नाउअडेज, आई मस्ट टेल यू दैट मेनी ऑफ अस एज पॉडकास्टर्स, वंस द एपिसोड इज डन, सेंड द एंटायर एपिसोड टू द सेलिब्रिटी टू से डू यू लाइक. मैंने इमतियाज़ के साथ करी, ज़ाकिर के साथ करी, बहुत लोगों के साथ करी. मैं पहले एपिसोड, और हम लोग की प्रैक्टिस होती है, हम पहले उनको भेजते हैं कि आर यू ओके विद दिस, और उनको पता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाली जाएगी. अनफॉर्चुनेटली podcasters are not in the business of making daily news. We are in the business of trying to build an audience over time. तो उसमें trust एक बहुत important चीज़ हो जाती है. हाँ बिल्कुल. लेकिन क्या होता है कि podcast जब आप 3-4 घंटे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो you must understand that out of, सबको problem quote से नहीं है, out of context quote से है. उसी दिन जो था वो मनोज वाजपेयी कह रहे थे कि उन्होंने बात करी कि अपनी किसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई सो एंड सो की वजह से मुझे ऐसा लगा. अब क्या हुआ उसमें हो गया कि इट सो एंड सो वॉज अ फेलियर ना, उन्होंने वर्ड फेलियर नहीं यूज़ किया था. तो जब लोग शब्द डालने लगते हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव टू कोट देन कोट एग्जैक्टली एज इट इज, इट्स स्टिल फाइन. बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ, देखिए सेंसेशनलिज्म की दुनिया में हम सब जीते हैं, तो वो आज 10 सेकेंड की रील में आप लोगों का कैसे इंटरेस्ट बना सकते हैं, that becomes the core of it. So I think everybody is trying to do their job to the best possible degree. Thank you, sir. Not at all. Thank you. Thank you. Thank you. राज भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच. Tonight it's a big moment for all the podcasters because I think finally now the whole country has started accepting podcasts as a new medium and everybody is enjoying. There are so many genres. I'm so happy. I'm looking forward to actually discover new podcasts as well tonight. And it's a pretty great moment because we're just getting started and I think there's a long way to go. Everything was great there. I think the whole idea was to go there, understand, you know, what the whole culture is, what different parts of the world is celebrating in the movie world, and spread awareness around the world. And I really loved that finally our Indian movie, they won the award there. So that was a pretty exciting moment. Sure, you were saying something. Yeah. Rajvi, काफी लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं. हाँ जी. आप करते थे, फिर रणवीर थे और बहुत सारे लोग थे. काफी लोग पॉडकास्ट में आप शुरू कर सकते. काफी 22-23 साल के मोंडे भी आजकल शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट. What do you have to say on that? चेंज कितना आ रहा है और कंपटीशन कितना बढ़ गया आप लोगों में? I don't think competition at all बढ़ा है. I think अभी 1000-5000 और पॉडकास्ट आने चाहिए, उसके बाद ही चेंज एक्चुअली बड़ा बनेगा. इतनी बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं इधर और उनमें सिर्फ क्या 15, 20, 50 पॉडकास्ट थोड़ी चल सकते हैं. सो आई थिंक अभी तो बहुत कम है और बहुत बड़ा मार्केट है. इनफैक्ट बहुत बड़ा मार्केट अनटैप्ड है जिनके पास आज तक फ़ोन नहीं पहुंच पाया है. तो जिस दिन उनके पास फ़ोन पहुंचेगा, इंटरनेट पहुंचेगा, फिर उसके बाद उनके पास सही बातें पहुंचेगी उनके इंटरेस्ट की. सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे लगता है 20-22 साल के आई थिंक 17-18-19 सबको स्टार्ट कर देना चाहिए. वाह, ऐसे तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको. यार आई रियली फील वन डे, मतलब मैं शाहरुख खान सर को बुलाना चाहूँगा एक दिन. एंड द रीज़न इज़ वेरी पर्सनल बिकॉज मुझे लगता है कि जितने और मेरी लिस्ट में गेस्ट हैं सारे, उनमें से उन्होंने ना सारे टिक कर दिए हैं. बिकॉज इफ़ यू लुक एट माई होल पॉडकास्ट, हमारा पॉडकास्ट स्टैंड करता है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर सकते हैं. आई थिंक उन्होंने तीनों मास्टर कर दी है. वो जब देखो जब उस बॉडी में आ जाते हैं जब उन्हें चाहिए होता है. उनकी रिलेशनशिप्स और फैमिली बहुत अच्छी है, उनके पास वेल्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने दुनिया लोगों में प्यार बहुत कमाया है. तो उन्होंने आई थिंक सारे गेम जीत लिए हैं. इसलिए मुझे लगता है कि उनसे सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द होल ऑडियंस एंड फॉर अस. मुझे नहीं लगता कंपटीशन बढ़ा है. आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो. अगर आप देखो कि कंपटीशन बढ़ा है, आप ऐसे बोल रहे हो, लोग भी तो कितने सारे हैं जो कभी पॉडकास्ट सुनते नहीं थे, सुनने लग गए. तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट बहुत बड़ा बाकी है. सेलिब्रिटीज़ क्या, मुझे लगता है हर नॉर्मल इंसान को पॉडकास्ट बनाना चाहिए अगर उनके पास कुछ एक मैसेज है जिससे वो दुनिया चेंज करना चाहते हैं. क्योंकि इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अच्छी बातें की जा सकती है. तो बहुत स्कोप बाकी है. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कॉम्पिटिशन है. रही बात हमारी, तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है. हम लोग हर पॉडकास्ट से पहले और बनाने के बाद एडिटिंग के टाइम पे भी सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं, क्या इस पॉडकास्ट के थ्रू हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं. अगर हम नहीं सिखा सकते तो हम वो पॉडकास्ट ही नहीं बनाते और यहाँ तो डिलीट कर देते हैं. अच्छा, वेंकटेश अय्यर के पॉडकास्ट के बाद आपके साथ हुआ, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, मिलियंस में व्यूज़ आए, लेकिन उसके बाद एक डिमांड और आ रही है कि माई भाई को लाइए पॉडकास्ट में. भाई आपकी अगर कनेक्शन हो तो बुला लो. अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि हम उनके लिए अभी रेडी नहीं हो पाए. अब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं. एक दिन ज़रूर लेके आएंगे, वो हमारी ड्रीम लिस्ट में है एंड उनसे बहुत चीज़ें सीखनी है हमें. तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं कि एक दिन ज़रूर होगा वो पॉडकास्ट. थैंक यू भाई, थैंक यू. Look, 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 camera. Right, me, right. Thank you. Right, right. Look here, look here. Bye, bye. Left shift हुई है ना थोड़ा. हाँ सर, इस तरफ आइए. Wait, 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 wait. थैंक यू सो मच। पीछे ए हेलो पीछे सर राइट डावीकडे लोक डावीकडे सर राइट साइड लेफ्ट बाय उनके लेफ्ट सर दूंगा जी See, I think it's a great initiative by Hindustan Times and Fever for these Podmasters Awards. I think the podcasts and voiceover shows and audio series and everything is like catching up like big right now. And yeah, it's a great thing for all the voiceover artists and all the podcasters and everything. And I think in the years to come, it's going to be huge. So it is already internationally, but I think over here, it's give it another year. I think it's going to be huge. So I think it's a great thing. Also, we need to जाना चाहिए podcast पर आने के बाद लोग काफी ज़्यादा अपनी life की secrets भी बता रहे हैं. How much you are open to share your secrets? हाँ मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा अभी क्या अभी तो मैं किसी पॉडकास्ट पे नहीं हूँ यार हाँ I have whichever shows I have been to I have tried to be as open as possible that's fine thank you that's it thanks लुकिया क्या सेंटर लुकिया अरे एक मिनट थैंक यू सो मच सॉरी रेडी I'm very excited because I started my career with Hindustan Times as a journalist, and all these years later I'm nominated for multiple awards, so it's like full circle for me to come back to HT. Talking about podcast, with celebrities, what's actually born with podcast? Zakir Khan, Zakir Bhai, I think is one of the most beautiful, thoughtful expressive, vulnerable man, and I'd love to hear him. He was on Be a Man Yaar, my show as well, and I think he should be speaking a lot more regularly than he does. I mean, very fortunate that clips of our show are going really viral. The intention is to get more people to have conversations that matter. And yeah, thankfully, like when you have stages like this and these things get celebrated, it helps the conversations go further as well. So we're really grateful to be here. Thank you so much. Sir, next question. Professor Samir. So one looks this side, please. Sir. That camera look. Sir. So one camera look, please. Sir, World Cup में जा रहे हो? India Pakistan खेल जा रहा है. Thank you. Visual लेना, bite लेना. Sir, bites. Yes. joining us sir kitne excited hai Podmasters award hai podcast bhi to duniya hai aajkal hey very excited yaar of course all of us work and we think that it'll be appreciated acknowledged people will notice you don't create content just for yourself kyunki agar खुद के लिए हो तो फिर रिकॉर्ड ही क्यों करेगा फिर पब्लिश ही क्यों करेंगे सो ऑब्वियसली दिस इज एक्साइटिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कौन से पॉडकास्टर्स की आप ना एकदम तहे दिल से बैठ के देखते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है? नहीं, मैं तो बहुत सारे देखता हूँ एक्चुअली और आई वोंट पिक वन. अभी वो रौनक का एक नया है विच इज़ वेरी नाइस. इज गॉट सम ग्रेट गेस्ट. रणवीर के साथ मैंने खुद भी किया हुआ है. सो ही इज समवन हु आई रियली लाइक. बट येस आई डू consume a lot of content. I go even for geopolitics and also. World Cup के लिए काफी excited है लोग, बहुत ज़्यादा excitement है लोगों में. क्या लगता है इस बार इंडिया को झंडा लहरा कर आएगी? अच्छा तो करना चाहिए. I mean, say T20 World Cup, that too in the West Indies, इतना आसान तो नहीं होगा. पर उम्मीद यही है कि अच्छा करे, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों का ये शायद ही आखिरी हो. सो यू रियली वांट देम टू गो अहेड एंड विन द ट्रॉफी. रह गए थे हम 23 में. होपफुली दैट थिंग इज सेटल दिस टाइम. अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का ये आखिरी हो सकता है क्योंकि ही इज ओवर 37 नाउ. सी, नेवर से नेवर, पर यस, नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज इन 2027, सो इज नॉट गेटिंग यंगर, तो पॉसिबिलिटी है. Again, the man will decide when he wants to call it quits. But the team should rally around. If it is to be the last one, then he should walk away with a trophy in his hand. क्योंकि वो एक चीज़ 2007 में मिली थी. But then since then he has done a lot, but hasn't won a trophy yet. So 2007 की आपने बात की, तो माही भाई. Correct. माही भाई 2000 IPL 2025 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है over the internet. Correct. चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सब ये सोच रहे हैं कि माई भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. तो आपको कितना पता है इस बारे में? MS का एक्चुअली बताऊँ मैं, साक्षी को भी नहीं पता होगा. आई मीन, जो वाइफ को ना पता हो तो किसी को क्या पता होगा. वेरी ऑनेस्टली, ही लुक्ड ऑल राइट फ्रॉम अ वेरी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इफ इज़ फिट, ही इज़ हैप्पी टू प्ले. पर दिस ईयर दे विल बी अ बिग ऑक्शन एज वेल, तो वो एक डायनामिक है. एंड with MS, you know कि he'll put his team ahead of himself, so वो एक डायनामिक ध्यान में रखना पड़ेगा. बिकॉज इट्स अ बिग ऑक्शन, एज यू सेड. रिटेंशन 3 years is way too far for him. He's 42, so वो मुश्किल है. इंडियन हेड कोच की बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, ऐसा बोल रहे हैं गौतम गंभीर बन सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग बन सकते हैं. लोग BCCI ने MS धोनी को अप्रोच किया टू कन्विंस फ्लेमिंग, राइट? आप क्या कहेंगे? वेल, जो भी बनेगा यार, इंडियन क्रिकेट, आई थिंक हुएवर कम्स इन नाउ, उसको ट्रांजिशन मैनेज करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग. ट्रांजिशंस आर वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू नेविगेट वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ लोग जा रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं. यू ऑल्सो फाइंड टर्बुलेंस, क्योंकि जब नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो देर इज़ अ चांस कि इमीडिएट सक्सेस ना मिले, बट देन यू स्टिल हैव टू नेविगेट थ्रू इट. सो whoever becomes, I really hope he does a great job, because ये अगले 2-3 साल इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट 10 से 15 साल फ्यूचर जो शेप करने वाले हैं. सो whoever is there, if it's Gautam, beat Gautam. सर, एक आखिरी सवाल, विराट कोहली के वर्ल्ड कप सिलेक्शन को भी लेकर काफ़ी बात चल रही थी. कोहली जाएंगे या ड्रॉप होंगे? क्या लगता है जिस तरीके से IPL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हैज बीन इनक्रेडिबल, राइट? क्या लगता है वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो? वर्ल्ड कप तो हमेशा अच्छा करता है कोहली, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. मुझे तो लग रहा है शायद ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे. तो रोहित कोहली अगर साथ में ओपन कर रहे हैं, आई मीन दैट विल बी अ डिलाइट, और अच्छा ही करेंगे. आई एम प्रीटी श्योर. वर्ल्ड कप इज ऑलवेज देयर. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से फॉर सचिन पाजी, कि वर्ल्ड कप सारे उनके अच्छे होते थे. कोहली का भी सेम है, वर्ल्ड कप तो अच्छा ही होगा. अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि रोहित को 3 नंबर पर भी खिलाएंगे तो भी अच्छा होगा. क्या लगता है रोहित 3 नंबर पर अच्छा करेंगे? रोहित कप्तान है, उनको कोई खिला नहीं सकता. उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि मैं कहाँ खेलूँगा. आई डोंट थिंक ही इज बैटिंग एट 3. ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे अच्छा करेंगे, इज व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. या